व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू, हैप्पी और फाइन। सो गाइस, क्या होता है कि कई बार हम गूगल पे बहुत सारे चीज़ सर्च करते हैं, मतलब समझ सकते हो ना, हम बहुत सारे चीज़ सर्च करते रहते हैं, फोटोस ये वो, मतलब सॉन्ग्स भी कुछ सर्च करते हैं, गलत नहीं सोचना यार, बहुत सारी चीज़ सर्च करते रहते हैं गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे। तो ऐसे में क्या होता है कि सर्च हिस्ट्री कोई चेक कर लेता है तो यार सोचते हैं यार क्या क्या देखता है उसमें, हो जाते हैं ना एक बार, हम सोचते हैं यार इसको कैसे डिलीट करें। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर आप अच्छे भी सर्च करते हो तो कई बार क्या होता है कि हिस्ट्री पूरा भर जाता है, तो आप गूगल सर्च हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हो, इस वीडियो मैंने आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताया है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस आप लोगों को गूगल ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कुछ यहाँ पे मैंने सर्चिंग किया गया है, तो यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे फिर से सर्च कर लेते हैं अविनाश डेटेक, सॉरी यहाँ पे हम अविनाश डेटेक सर्च कर लिए, तो ये वाला जो चैनल्स है ये मेरा कंपनी है, ये सारा कुछ मैंने एड करके रखा है। तो ये वाला जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया, अब हम इसका हिस्ट्री कैसे डिलीट करेंगे वो हम जानेंगे। तो सिंपली से आपको करना क्या होगा गाइस, आप लोगों को यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप लोगों को ऊपर में सिंपली उस पर टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही टैप करेंगे तो गाइस यहाँ पे हम चलिए टैप कर देते हैं, करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे सर्च हिस्ट्री सेविंग लिखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा, तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा, सर्च जो जो सर्च किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, डिलीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो डिलीट ऑल टाइम पर क्लिक कर दीजिएगा, जितने भी आपने सर्च किया है वो सारा डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम डिलीट पर क्लिक कर देते हैं तो ये यहाँ पे ओके कर दिए, ओके करने के बाद ये जो है गाइस आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे फिर से अगेन टैप करना है एंड आप लोगों को बैक आना है। बैक आने के बाद जो है गाइस आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप ये हो गया, आपने जो भी सर्च किया है वो सारा डिलीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मेरा जितने भी सर्चिंग किए थे वो सारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से जो है गूगल सर्च हिस्ट्री आप बिल्कुल आसान तरीके से डिलीट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप किस तरह से जो है आप गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में करके फीडबैक दे दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।